Hey guys, welcome back to my channel Verma Boys. So guys, आज हम जा रहे हैं नैना देवी. So जय माता दी. So let's go to माँ नैना देवी टेम्पल एंड दिस इज वट आई एम वेयरिंग. मज़ा आ रहा था, काफ़ी दिनों के बाद घूमने जा रहे थे. So let's go to माँ नैना देवी टेम्पल हिमाचल. सो गाइस, अभी मैं खा रहा हूँ मैगी. इंस्टीट्यूट से आया था, काफ़ी भूख लग रही थी और कभी आप जाओ और मैगी ना खाई रास्ते में, ऐसे हो ही नहीं सकता. सो अभी मैं खा रहा हूँ मैगी. सो गाइस, रास्ते में हमें दिखा ये रत्ना टूरिस्ट ढाबा जहाँ पर हमने रुक के टी टाइम लिया, टी ब्रेक. मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ तो मैंने कॉफ़ी पी थी एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर के बारे में भी था. काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, व्यू काफ़ी अच्छा था, खेत थे. सो रत्ना ढाबा, लेट्स गो इन. सो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया कॉफ़ी. सभी ने चाय पी थी लेकिन मैं अकेला पी रहा था कॉफ़ी एंड कॉफ़ी वॉज आउटस्टैंडिंग, यमी, मज़ा आ गया. सो बाय बाय रत्ना ढाबा. गाइस, ये हमने फर्स्ट माउंटेन हिल या पहाड़ी या बोलो वो दिखी थी. सो ये देख लो. फाइनली वी रीच्ड माँ नैना देवी टेम्पल हिमाचल में. सो लेट्स गो. तबीयत मेरी खराब ही है. सो अभी पार्किंग में कार लगा रहे हैं, अभी हम जाएंगे रोप वे से. रोप वे में है तो काफी भीड़ लेकिन लेट्स सी. एंड ये रहा मेरे सामने, मुझे पता नहीं क्या है ये लेकिन कुछ तो है. ये भी कोई मंदिर जाने का रास्ता है, ये पानी में से बोट में से जाते हैं लेकिन मुझे पता नहीं. एंड फाइनली डबिंग में से रियल वॉइस आई है. सुबह से डबिंग ही कर रहा हूँ मैं अभी. फाइनली लेट्स गो टू रोप वे, भीड़ काफी ज्यादा है. सो लेट्स गो. यहाँ पर मम्मा और जो दीदी खींच रहे थे फोटो, मतलब ऐसे ही. और वो रे पापा ताऊ जी ताई जी टिकट ले रहे थे और ये केशव पता नहीं इधर उधर घूम रहा था. यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, क्या ही बोले. और मैं मौसम के नज़ारे ले रहा था, इंजॉयमेंट, व्यू देखो गाइस, मज़ा आ गया. गाइस नवरात्रे ख़त्म हो चुके थे लेकिन फिर भी भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब गाड़ियाँ देख लो दूर तक, हमारी गाड़ी एंड में खड़ी थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी. और ये व्यू तो मतलब ओह माय गॉड, मज़ा आ गया. और गाइस यहाँ पर इतनी भीड़ थी, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था हमें लाइन में बैठे. मैं थक ही गया, फिर आखिरकार मैं बैठ ही गया, पता नहीं कब आएगी हमारी बारी. सो फाइनली गाइस हमारी टर्न आ चुकी है एंड अभी ऐसे जाएंगे हम भी, वो ग्रीन वाले जैसे आ रही है. सो अभी हम जाएंगे इस येलो वाली में. सो आजा भाई जल्दी आजा, लेट्स गो इन. चलो चले गाइस नैना देवी माता जी के दरबार में. Thank you.
बस चढ़ाई हमारी शुरू हो चुकी है और मम्मा की हालत खराब हो चुकी है, थक चुके हैं गाइस। सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है भाई, सीढ़ियों पे जान निकल गई लेग्स की, सांस बहुत चढ़ गई थी, सारे थे ओ माय गॉड, मतलब ना ज्योति दीदी के हाल देख लो, उनका भी हाल बुरा ही हो चुका है बेचारी का। ये पकली कुर्सी बैठ गए मतलब सारे इतने ज़्यादा थक गए थे, सांस फूल गई थी, मम्मा को गोदी में बैठ गए थे। सो अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं चढ़ाई। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं शॉप पे जहाँ से हमने प्रसाद लेना है, शूज़ वगैरह रख दिए। सो लेट्स गो माता के दरबार में और भीड़ देख लो ज़रा, तो गाइस भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हमने यहाँ पर से छलांग मार के फाइनली इधर पहुँच चुके हैं शॉर्टकट रास्ते से, सारे जा रहे थे, फटाफट हमने छलांगें मारी और आ गए। सो भीड़ मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। सो अभी चलते हैं मंदिर में, देखते हैं कब बारी आती है और चांद में निकल गया दिन में ही। जय माता दी, 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 जय ओ माई गॉड गाइज, व्यू देखो माता रानी के मंदिर से, ओ हो हो मजा आ गया। सो इस माथा हमने टेक लिया एंड भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, अच्छा हुआ कि हम मतलब भीड़ में से निकल गए थे, वरना हम मतलब ना ये देखो वहां पर होते तो अच्छा हुआ कि हम आ गए थे। तो गाइज अभी हम ले रहे हैं कुछ कुछ सामान, मतलब शॉपिंग नहीं करेंगे लेकिन प्रसाद वगैरह लेंगे थोड़ा बहुत जो चाहिए, लेकिन उतरना सीढ़ियों में से बहुत मुश्किल हो रहा था, चढ़ना फिर भी इजी था लेकिन उतरना मुश्किल हो रहा था। सो अभी कुछ सामान ले लेते हैं। सो भूख तो बहुत लग रही थी, गोलगप्पे वगैरह कुछ नहीं खा सकते, टाइम हो रहा था हमारी ट्रिम्बल ट्रेन का रोप वे से जाने का। सो फटाफट अभी भाग कर जाके टिकट लेते हैं, चलो भागो 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 फटाफट भागो, पापा गए टिकट ले रहे हैं। सो अभी उधर लगना पड़ेगा लाइन में, अच्छा हुआ बिल्कुल सही टाइम पे हम वापस आ चुके हैं। ये मंकी, हमने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं खाया पिया, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखो लाइन, टिकट लग चुकी है, सो अभी हम घूम सकते हैं फाइनली। लेट्स गो, क्या खाएंगे? गोलगप्पे, लेट्स ईट। सो अभी यहाँ पर चलेंगे भरपूर मात्रा में गोलगप्पे, ये रही ये सारा खाली करके जाना है। सो खाएंगे अभी, लेट्स ईट गोलगप्पे। वही मेरा तो गला खराब है, खाओ आप खाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ना खाऊं, सो मैं खा रहा हूँ कुलचे छोले विदाउट नींबू। ओ माय गॉड गाइस, रात तो हमें ऊपर ही हो चुकी है एंड यहाँ पर धुंध हो चुकी है, इतनी ज्यादा फॉग हो चुकी है। अभी लेट्स गो नीचे, आधा घंटा तो हमें लाइन में लगे हो गया, फाइनली अभी टर्न आई है, हम बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके ये सारी इतनी बड़ी लाइन है एंड तक, यहाँ पर हमारी टर्न आएगी, हम यही बैठे हैं। कैमरामैन रमन जी के साथ, मॉडल मम्मी पापा तो फाइनली आफ्टर पौना घंटा हमारी बारी आ चुकी है, हमारी टर्न आ चुकी है और यहाँ पर फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी
एंड वो आ गई हमारी क्या है ये टिम्बर ट्रेन फाइनली लेट्स गो इनसाइड दिस बहुत अच्छा फोटो कट्टा हो गया लो जी फोटो खींचो लेट्स गो चलो 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 बाय 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 ओके ओके डन लेट्स गो सो फाइनली सफर शुरू होता हुआ चारों तरफ गाइस कोहरा तो है दिख नहीं रहा अंधेरा ही अंधेरा फुली ब्लैक और यहाँ से हमारी ये टिम्बर ट्रेन निकली है वाओ वाओ व्यू चेक आउट करो ओह माय गॉड फोकस नहीं हो रहा ओह माय वाओ फाइनली पहुंच चुके हैं लेट्स गो फाइनली कान बंद हो चुके हैं लेट्स गो डाउन लेट्स गो जय माता दी 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 तो गाइस जब हम आए थे तब आपने व्यू देखा था और ये अभी देख लो कुछ नहीं दिख रहा हम मेरी फोटो चलो जल्दी चलो भाई थक चुके हैं ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है पता नहीं कितना डिग्री सेल्सियस है वो ठंड हो चुकी है लेट्स गो डाउन हाय गॉड गाइस बहुत ज्यादा थक चुके हैं सीढ़ियां बहुत चढ़ ली आंखों में से आंसू आ जा रहे हैं गाड़ी आ रही है हमारी कान अभी भी मेरे तो एटलीस्ट बंद है सो लेट्स गो कुछ खाते हैं भूख लग रही है बहुत कुछ कहना चाहोगे क्या मैगी बच्चे बच्चे खाते मैगी हम नहीं खा रहे मैगी मेरा मैगी खाना ऊपर दिल है सी ऊपर ऊपर खाने से ऊपर ऊपर पता नहीं कितने ओथे ऊपर ऊपर चलो चलो अभी देखते हैं कि क्या करते हैं आगे फाइनली 10:30 बजे ब्रेक लग चुकी है हमारी हम रुके हैं सुखदेव ढाबा पे एंड ये सुखदेव ढाबा एक मिनट में कैमरा लेंस साफ कर लूं हो गया साफ सो भी दिख रहा है ये देखो सुखदेव सो ये देख लो आते ही झूले पे चढ़ गए ओ माय गॉड इतने बड़े बड़े होके ना फिर भी नहीं ओ मुंह में से धुएं निकल रहे हैं गाइस ठंड है पता नहीं कैमरे में दिख रहे होंगे ठंड बहुत ज्यादा हो चुका है ओह माय गॉड गाइस मजा आ गया भाई मजा आ गया व्हाट अ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ही ढाबा ये देख लो इतने छोटे छोटे बच्चे आते ही सिर फुड़वा लिया चलो आ जाओ फटाफट फटाफट आओ मजा आ रहा है सो भी कुछ खाते हैं भाई भूख बहुत लग रही है काफी अच्छा ढाबा है सो यू शुड ट्राई गाइस हम ना थके हुए हैं मतलब इतनी एनर्जी नहीं है आई एम ऑल्सो मेरी एनर्जी लो है तो इसी वजह से फोटोज मैंने आज बिल्कुल ही नहीं क्लिक की सिर्फ व्लॉग ही बन रहा है जो बन रहा है यहाँ पर भी इतना सुंदर गार्डन है मतलब काफी अच्छी अच्छी स्पेसेस है रील्स शूट करने के लिए वीडियोस बट बिल्कुल मन नहीं है सो अभी ब्रेकफास्ट होता है अभी भी हट नहीं रही है ऐसे बैठे सो लेट्स गो इन तो गाइस हमने ऑर्डर की है दाल मखनी पनीर की सब्जी साथ में तंदूरी रोटी एंड प्याज सो ये है हमारा डिनर एंड उसके बाद हमने पी कॉफी जो की थी बहुत ही ज्यादा टेस्टी सो कॉफी पी के हम चलते हैं घर होगी वेट पूजा आ गया मजा मजा आ गया भाई पूरा पेट फुल हो चुका है अभी लेट्स गो टू होम भैया आज तो पढ़ भी नहीं पाए ठंड आज का व्लॉग हम यही एंड करेंगे व्लॉग लंबा हो चुका है सो आज के लिए इतने अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक बटन शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज वर्मा बॉय बाय गाइस और बाय अभी बज रहे 12:45 तो अभी घर चलते हैं सो वॉशरूम सोते हैं अभी